5 घंटे हो गए, ये बर्फ़ी जो हमारे रखी थी आप देख रहे हैं, ये देखिए अच्छे से जम गई है, बिल्कुल भी दब नहीं रही है ये, और इसके एंड्स भी छूट रहे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ से, इसका मतलब कि ये बर्फ़ी अच्छी तरह से जम गई है। अभी हम क्या करेंगे, इन बर्फ़ी को हम स्क्वेयर पीसेस में काट लेंगे। तो अभी मैं इसे काट लेती हूँ, ये देख लें बहुत ही सॉफ्टली कट रही है ये। आज मैं आपके साथ में बेसन बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी हम हलवाई स्टाइल में बनाने वाले हैं। इस रेसिपी को मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ में देने वाली हूँ आपको, तो आप रेसिपी एंड तक देखिए, जिससे कि आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। आप एक बार इस तरह की रेसिपी बेसन बर्फी की बना लेंगे तो आप बाज़ार से कभी भी बेसन बर्फी खरीद के लाने वाले नहीं हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करना घर पर अपने। तो फ्रेंड शुरू करते हैं हम रेसिपी। इस रेसिपी के लिए हमको इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं, वो आपको मैं बताती रहूँगी समय समय पे। तो बेसन बर्फी होने की वजह से बेसन लगने वाला है और बर्फी होने की वजह से घी लगेगा हमको। तो यहाँ पर मैं गैस ऑन कर दूँगी। ये हमारा पैन गरम होता है तब तक मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब बेसन लिया है। जनरली क्या होता है कि ग्राम्स में बताने के बाद में हमारा मेज़रमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्राम्स हम हर समय तोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में नाप तोल के लिए कुछ साधन नहीं होता है। तो इसलिए क्या करना है हमको, ये 100 ग्राम के करीब बेसन लिया है। ये बेसन रवा और बाकी के कंपैरिजन में हल्का होने की वजह से ज़्यादा लगता है। तो आप 100 ग्राम को आप किसी भी कटोरी से एक मेज़र ले सकते हैं। तो 100 ग्राम ये 1.5 बाउल के करीब हो रहा है। तो ये 1.5 बाउल के करीब मैंने यहाँ पर बेसन लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ही घी लिया हुआ है। तो ये प्योर घी है हमारे घर का। तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, घी को कढ़ाई में ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर घी ऐड कर दूँगी। घी को आप जमा हुआ ना लें। तो अभी मैंने यहाँ पर घी ऐड कर दिया। हमको बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। तो मैं यहाँ पर बेसन ऐड कर दूँगी। बेसन ऐड कर दिया है मैंने। इस बेसन को हमें भून लेना है। तो अभी जब हम इसको भूनने की शुरुआत करते हैं बेसन को, तो अभी हमको ये गाढ़ा सा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये मेल्ट होते जाएगा, पतला होते जाएगा। तो अभी हमको इसको भूनने की प्रोसेस करनी है। यहाँ पर भूनते समय आप मीडियम टू लो पे ही रखें इसे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारे बेसन कि पतले होने की प्रोसेस शुरू हो रही है। तो ये अभी और पतला होते जाएगा, लेकिन तो ज़रूर रहना है। तो फ्रेंड देखिए, ये अच्छे से पतला हो गया है और इसके ऊपर इस तरह से बबल्स भी आ रहे हैं। इस तरह के बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये अच्छी तरह से फूल चुका है और अच्छी तरह से भुना गया है। तो एक टिप तो ये हो गई यहाँ पर कि हमको बेसन चेक करना है कि भाई ये अच्छी तरह से भुना गया है या नहीं। तो जब ऊपर बहुत सारे ऐसे बुलबुले आने लग जाए तो आप समझ जाइए कि ये बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है। सेकेंड जो यहाँ पर टिप होती है, तो सेकेंड टिप होती है कि ये इस तरह से हम बेसन भुनने दे रहे हैं समझो, तो उसमें अगर हम इस तरह से हाथ में पानी लेते हैं और थोड़ा सा इसे छींटते हैं पानी, ये तो ये देखिए आप छन की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, मैं आपको फिर से करके बताऊंगी। ये देखिए, ये अगर छन से आवाज़ आ रही है तो आप समझ जाइए कि बेसन हमारा कम्प्लीटली भून चुका है। तो इस बेसन को इतनी क्वांटिटी में भूनने के लिए मुझे यहाँ पर 7 से 8 मिनट का समय लगा हुआ है। तो आप तीसरी टिप्स ध्यान में रखेंगे कि 7 से 8 मिनट, अगर प्रपोर्शन इतना ही लेते हैं तो हमको 7 से 8 मिनट तक लग सकते हैं। अभी ये बेसन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, इसे हम उतार लेंगे। तो हमने बेसन 100 ग्राम लिया हुआ था, उसके लिए हमको 200 ग्राम शक्कर लगने वाली है, यानी उससे हमको डबल शक्कर लेनी है। यहाँ पर पानी ऐड कर दूंगी। तो हमने जितना, एक बॉल मैंने पानी ऐड कर दिया है और ये 2 बॉल यहाँ पर शक्कर है, तो ये शक्कर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी पानी में। ये हेवी होने की वजह से थोड़ा सा कम लिया है, फूल भर के नहीं लिया हुआ है इसे।
और अभी शक्कर को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। चाशनी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये चाशनी में अच्छा उबाल आ रहा है और शुगर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अभी हमको क्या करना है, चेक कर लेना है इसे। तो चेक करने के लिए मैं देख लूंगी यहाँ पर। बढ़िया, बस हमको ऐसा ही चाहिए। तो अभी मैं ये गैस ऑफ कर दूंगी। मुझे अब ये चाशनी यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करनी है, तो मैं ये धीरे धीरे ऐड करूंगी और इसे घुमाती रहूंगी। अच्छे से घुमाना है इसे। इसका जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमको सारा प्रिपेयर करना है। इसे हम घुमाते जाएंगे तो ये धीरे 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 गाढ़ा होते जाएगा। देख पा रहे होंगे ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है। गरम नहीं है वैसे, आप इसे घुमा लें फिर छोड़ दें थोड़ी देर, घुमा लें फिर छोड़ दें, ऐसा भी करेंगे तो चलेगा। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। ये हमारी बची हुई चाशनी है, वो भी मैंने सारी ऐड कर दी है इसमें। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कैसा गाढ़ापन आते जा रहा है इसमें। ये एकदम डो फॉर्म में आ जाने वाला है धीरे धीरे। कंडीशन में क्या करना है हमको, यहाँ पर थोड़ा केवड़ा जल मैंने लिया हुआ है उसे ऐड करूँगी। तो मैं एक टेबल स्पून के करीब केवड़ा जल ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हलवाई जो लोग होते हैं ना, तो वो इसमें रेड कलर भी यूज़ करते हैं, येलो ऑरेंज कलर भी यूज़ करते हैं। तो आपको जो कलर पसंद हो उस कलर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या नहीं करना हो तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं ऑरेंज कलर लिया है मैंने यहाँ पर, तो मैं 2 पिंच के करीब यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो उससे क्या होगा, कलर अच्छा आएगा और दिखने में भी अच्छी लगती है। कि आप देख पा रहे होंगे इसका कलर बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ 10-1 मिनट में और पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। तब तक के लिए मैं इसे रखती हूँ और हाँ, बीच बीच में से इसे मैं चलाती रहूँगी। तो फ्रेंड देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और डो फॉर्म में आ चुका है ये। तो अभी मुझे इसे डिश में निकाल कर इसे जमा लेना है। तो अभी मैंने ये यहाँ पर पैन लिया हुआ है, मेरे पास ऐसा स्क्वायर पैन में ये ही है, तो इसको मैंने दिया है और इसे ग्रीसिंग कर लिया है। अभी मुझे सारा ये जो हमारा बर्फी का मटेरियल है ये यहाँ पर निकाल लेना है। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने पूरी तरह से निकाल लिया है, बढ़िया ठंडा भी हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इसे अच्छी तरह से इस पैन में स्प्रेड कर देना है इसे। तो इसे इस तरह फ्रेंड, इसे मैंने चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और घी का हाथ लगा के थोड़ा आप इसे इस तरह से प्लेन कर लें। और कलर देख रहे हैं आप इसका, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, एकदम खूबसूरत कलर है इसका। इसमें आप इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इलायची यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं मगज़ भी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ऊपर से ऐड करने के लिए। आप बाकी ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहे। फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर मगज़ भी को स्प्रेड कर रही हूँ।
हम बाजार से हलवाई की दुकान से लाते हैं जब मार्केट से, तो उनकी बर्फी के ऊपर इसी तरह से मगज भी डाले हुए होते हैं जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। पीस से जमने के लिए 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं और इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। घंटे हो गई है बर्फी जमाने रखी थी, आप देख रहे हैं, ये देखिए अच्छे से जम गई है, बिल्कुल भी दब नहीं रही है ये, और इसके एंड्स भी छूट रहे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ से। इसका मतलब कि ये बर्फ़ी अच्छी तरह से जम गई है। अभी हम क्या करेंगे, इन बर्फ़ी को हम स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। तो अभी मैं इसे काट लेती हूँ, ये देखिए फ्रेंड अच्छे से कट गई है। अभी इसे हम निकाल के देखेंगे, फ्रेंड देखते हैं हम इसे निकाल के, ये देखिए बहुत अच्छे से निकल रही है, ये आप देख पा रहे होंगे नीचे से भी बहुत अच्छी जम गई है, ये पीस आप देख रहे होंगे। मैं बाकी भी निकाल लेती हूँ यहाँ पर, देखते हैं, ये देखिए सारे ही पीसेस बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। मैं सारे निकाल लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये सारी हमारी बर्फी है जो क्लियरली निकल गई है और बहुत बढ़िया बनी है। तो अभी मैं थोड़ा प्लेटिंग कर लेती हूँ इसका। फ्रेंड देखिए मैं आपको कट करके बताती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है ये, बिल्कुल बाजार स्टाइल वाली, ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बाजार की टेक्सचर है इसमें। इस तरह से तोड़े हम तब भी दिखेगा, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है ये। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपकी रेसिपी बिगड़ेगी नहीं है और बहुत अच्छी बनेगी। तो आप मेरे चैनल को